हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमिताज किचन। कुछ मीठा कुछ नमकीन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सूखे बेसन वाले आलू की सब्जी। ये फटाफट बनने वाली सब्जी है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप सूखे आलू तो बनाते ही हैं, जैसे जीरा आलू बना लिया आपने सेक्टर सेक्टर, बट ये जो बेसन के आलू होते हैं आप एक बार बनाइए। आप इसको बार बार सूखे आलू आप जब बनाएंगे आप यही आलू बनाएंगे। तो आइए मैं आपको बताती हूँ, इसके इंग्रेडिएंट्स दिखा देते हैं। देखिए, मैंने मीडियम साइज़ के 6 बॉइल्ड आलू लिए हुए हैं। इसको मैं छोटे छोटे पीसेस में काट लूँगी। ये 3 टेबलस्पून मैंने बेसन लिया हुआ है। एक छोटा टुकड़ा अदरक का मैंने काटा हुआ है छोटा छोटा। ये 1 टीस्पून कसूरी मेथी है। ये हरा धनिया है और 1 से 2 ग्रीन चिलीज़ है। वो आपके टेस्ट के हिसाब से आप कितना स्पाइसी खाना चाहते हैं। बाकी मैंने ये देसी घी लिया हुआ है। आप किस में बनाना चाहते हैं आपकी चॉइस है। और बाकी चलेंगे ड्राई स्पाइसेस इसमें। तो चलिए अब हम सबसे पहले आलू को काट लेते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में। कि मैंने आलू छोटे छोटे पीसेस में काट लिए हैं, पर आप एक बार ध्यान रखिएगा, आलू आप तुरंत बॉयल करके तुरंत काटेंगे तो वो टूट जाएगा। तो कोशिश करिए कि आलू पहले थोड़ा सा उबाल के रख लीजिए, और आपने उबाला है तो नहीं तो आप थोड़ी देर के लिए आलू को छील के फ्रिज में रख दीजिए साबुत, उसके बाद काटिएगा कि आलू टूटेगा नहीं इससे। अब देखिए मैंने गैस ऑन कर ली है इधर। अब मैं इसमें सबसे पहले इसमें देखिए डालूंगी घी। मैं देसी घी में बना रही हूँ। अब आपकी चॉइस है कि आप, मैंने देखिए 2 टेबल स्पून देसी घी डाला है इसमें। अब फ्लेम इस समय मैंने हाई कर दी है। इसमें सबसे पहले हम ये अदरक का छोटा ये जो टुकड़ा मैंने काट के रखा था वो डाल देंगे। साथ साथ ये ग्रीन चिलीज डाल देंगे। ग्रीन चिलीज आपके ऑप्शन है, आप 1 डालिए 2 डालिए। बहुत ही इंस्टेंट बनते हैं आलू एकदम से। घर में कोई गेस्ट आ गया है रात में, आपको दाल के साथ कोई सब्जी नहीं समझ आ रही है, और लगती भी बहुत अच्छी है। ये जनरली लोग डिनर में भी बहुत पसंद करते हैं कि आपके घर डिनर है तो आप सूखे आलू ये वाले बनाइए और देखिएगा आपको बहुत अच्छे लगेंगे। देखिए अदरक और हरी मिर्च हो गई है इसमें। अब इस टाइम पे मैं इसमें डाल दूंगी, ये देखिए मैंने ये जो बेसन लिया था ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने अराउंड 3 टेबलस्पून बेसन लिया है। बेसन डालने के लिए इसको अच्छे से हिला लेंगे, इसको अच्छे से कर लेंगे, इसमें लम्स ना पड़े। हल्का सा लाइट ब्राउन आ जाएगा तब तक हम इस बेसन को अच्छे से हिला लेंगे। ये अराउंड 1 मिनट लगेगा मुश्किल से, हम क्योंकि हाई फ्लेम पे कर रहे हैं तो इसको अच्छे से, इसमें बेसन भुनने की एक स्मेल भी आने लग जाती है तो आपको पता चल जाएगा। तो मैंने हाई फ्लेम पे देखिए 1 मिनट कर लिया है। अब मैं इसको स्लो फ्लेम पे करके इस समय मैं इसमें ड्राई स्पाइसेस डालूंगी। इसमें सबसे पहले देखिए हम डालेंगे सॉल्ट। तो ये बहुत छोटी स्पून है, अराउंड 1 स्पून इसमें डल जाएगा सॉल्ट। तो ये सूखा धनिया है, ये देखिए एक 1 स्पून अराउंड सूखा धनिया डल जाएगा। इसके बाद हम रेड चिली डालेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च डाली है मैंने आधा चम्मच, और आधा चम्मच ये मैं हाफ स्पून नॉर्मल चिली पाउडर डालूंगी। उसके बाद ये थोड़ा सा साइड में है जीरा डाल देंगे। देखिए अब हम इसको अच्छे से देखिए इसको हल्का सा घी में तुरंत, थोड़ा सा मसाले को हम जितना भूनेंगे ना थोड़ा सा घी में, तो कच्चे मसाले डालते ही तुरंत सब्जी मत डालिए कभी भी, क्योंकि शक्ल नहीं आती है सब्जी की। अब ये देखिए हमारा डल गया। अब हम इस टाइम पर डाल देंगे इसमें ये सूखा भिना भुना हुआ जीरा पिसा हुआ, ये डाल देंगे। थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे और ये थोड़ी सी ब्लैक पेपर डालेंगे इसमें, और इसके बाद हम फिर इसको अच्छे से हिला लेंगे। अब इस टाइम पर इसमें डाल देंगे ये हमने रखी हुई थी कसूरी मेथी, ये भी हम इसमें डाल देंगे। फिर इसको अच्छे से मसाले को भून देंगे, और उसके बाद हम डालेंगे इसमें ये जो आलू हमने बॉईल करके रखे हुए थे इसमें डालेंगे, और इसके बाद इसको अच्छे से हिला लेंगे और मिक्स कर लेंगे। हम ये मतलब स्लो फ्लेम पे करिएगा, नहीं तो ये मसाला एकदम से बेसन जल जाएगा। ये देखिए इसकी शक्ल देखिए आप, बेसन अभी देखिए। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए हमें अब इसमें स्लो फ्लेम पे इसको अच्छे से थोड़ा सा
भून लेना है, जिससे कि सारा मसाला अच्छे से आलू में लिपट जाए। देखिए, अब थोड़ा सा हमने इसमें अमचूर पाउडर डालेंगे। ये देखिए, मैंने घर का पिसा हुआ अमचूर पाउडर है ये थोड़ा सा। आप चाहे तो थोड़ा सा, अगर अमचूर नहीं है या चाट मसाला है तो आप ऑप्शनल है, आप कुछ भी डाल सकते हैं इसमें। अच्छे से हिला लेंगे इसको। कितनी इंस्टेंट बनने वाली है, आप इसकी सब्जी की शक्ल देखिए, फटाफट 2 मिनट में बनेगी। कोई आपके घर एकदम से डिनर पे आ रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा कि आपने क्या बनाना है, तो फटाफट एक तरफ आप आलू बनने रखिए, आलू बन जाए उनको फ्रिज में रख दीजिए, नहीं तो 10 मिनट के लिए फ्रीजर में रख दीजिए। उसके बाद आलूओं को काटिए और उसके बाद ये सब्जी बनाइए, आपका फटाफट आलू की सब्जी बन जाएगी। देखिए, हमारी सब्जी तैयार हो गई है। अब इसके बाद इसको हम ऊपर से हरा धनिया डाल लेंगे, बाकी सॉल्ट टू टेस्ट है। आप देख लीजिएगा कि आपको नमक कम लग रहा है तो वह आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऊपर से आप ऐड कर सकते हैं। चलिए, मैं इसको सर्व कर देती हूँ। इसको पराठे के साथ खाइए, लच्छा पराठा, रोटी, किसी भी चीज़ के साथ खाइए और एंजॉय करिए। चलिए, मैं इसको सर्व कर देती हूँ। देखिए, सब्जी हमने सर्व कर दी है और आप बनाइए और बताइएगा ज़रूर कि आपको कैसे लगी। आप बाकी भी मेरे वीडियोज़ देख रहे हैं, अगर देख रहे हैं और आपको कैसे लग रहे हैं तो ज़रूर बताइएगा मुझे। और मेरे चैनल अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।